सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जयप्रकाश पावर के बारे में, जिसे आप जेपी पावर के नाम से जानते हो। भाई जयप्रकाश पावर के अंदर आपने देखा होगा कल एक अपडेट निकल कर आई थी, ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि इसका जो एक यूनिट है मध्य प्रदेश के अंदर सीमेंट यूनिट, उसको जो ना ये सेल करने जा रही है जेपी एसोसिएट्स के ऊपर। जो हैवी डेट है ना उसको कम करने के लिए, और वहीं आप देखो कि जयप्रकाश पावर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हैवी डेट है। तो इन सबको थोड़ा बहुत कम करने के लिए इस कंपनी जो ना अपनी जो ये मध्य प्रदेश वाली जो सीमेंट यूनिट है ना जेपी ग्रुप ने, वो सेल करने के बारे में बातचीत चल रही है अडानी ग्रुप के साथ। तो अडानी ग्रुप आपको पता ही होगा भाई, जो सीमेंट सेक्टर में अपना कदम रखने जा रहे हैं, नंबर 1 बनेंगे। तो उन्हें जो ना भाई एक दो सीमेंट की जो कंपनीज है उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं वो एक दो कंपनी से जो ना नंबर 1 पर आ सकते। तो उन्हें बहुत सारी कंपनियाँ जो सीमेंट प्रोडक्शन है इनको अपना बढ़ाने के लिए जो ना बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर करना पड़ेगा। जैसा कि आप देखो इंडियन सीमेंट का भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर, उनको भी खरीदना चाहते हैं। वोल्टास वाला भी आपने देखा होगा, विटास उसका। तो यहाँ से आप देखोगे भाई जो मेन रीजन है, मेन फोकस है जेपी पावर के ऊपर। कल बड़ी अपडेट आ गई थी कि 5,000 करोड़ में जो ना इनको ये मध्य प्रदेश वाला जो यूनिट है उसको सेल करने के ऊपर बातचीत चल रही है। तो अगर ये बात है, देखो भाई आई है, तो उसके साथ साथ आप देखोगे एक्सचेंज ने जो ना आज इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी मांगा है, ठीक है। तो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जेपी पावर के ऊपर जो हमें देखने को मिला था कि जेपी एसोसिएट्स में, तो वहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मांगा है एक्सचेंज के द्वारा, भाई क्या ये आर्टिकल छपा है, ये सही है या फिर गलत है उसके ऊपर। तो चलिए हम जो ना आपको इसके लेवल बता देते हैं, क्या इसके नीचे में सपोर्ट निकल रहे हैं, चार्ट आखिर इसके क्या लेवल दिखा रहा है। तो कहीं हद तक आप देखो गिरावट के अंदर जो बड़ा रीजन है मार्केट का है, और वहीं आप देखोगे कहीं हद तक इसके अंदर चलने वाले ऑपरेटर गेम, और ठीक है उसके साथ साथ आप देखोगे पब्लिक ने भी ऊपर से सेलिंग के ऑर्डर लगाए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आपको जो ना टूटते हुए नजर आए। तो चलिए हम जो है इसके चार्ट पर लेवल देखते हैं, क्या इसके लेवल निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो भाई क्या नीचे में सपोर्ट निकल रहा है जेपी पावर के चार्ट पर। आप देखो भाई पहले तो हमें जो है इसके अंदर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, और आज आप देखो कि स्टॉक के अंदर करेक्शन हुआ, ऊपर से स्टॉक हमें जो है टूटते हुए नजर आया है। हैवी सेलिंग हमें देखने को मिली ऊपर से, जिसकी वजह से स्टॉक हमें टूटते हुए नजर आया। तो चलिए मैं आपको इसके जो है लेवल दिखा देता हूँ, आखिरकार इसके क्या लेवल्स निकल रहे हैं। तो हमारा जो पहला नीचे में सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर आप देखोगे भाई इस कैंडल्स का जो लो है, यहाँ पर आपको पहला सपोर्ट यानी 7.80 रुपये का पहला सपोर्ट देखने को मिल है, ठीक है। 7.80 रुपये को स्टॉक अगर नीचे में ब्रेक करेगा ना, तो फिर आपको जो ये शेयर है यहाँ पर आप देखोगे ये नीचे के लेवल दिखा सकता है। जी हाँ, नीचे के लेवल्स में अगर मैं बात करूं तो नीचे का जो लेवल बन सकता है, यहाँ पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट जो बना है इस कैंडल्स पे, आप देखोगे 7.25 रुपये का नीचे में सपोर्ट निकल सकता है। तो ये दो सपोर्ट, ये जो स्टॉक हमें ना इस लेवल्स पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा बहुत हैवी करेक्शन हुआ। अगर बात करें परसेंटेज में, तो यहाँ पर आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर अगर आप जो करंट लेवल है ना उससे अगर स्टॉक टूटेगा, तो यहाँ पर आपको जो ना ये अप्रोक्सीमेट 8-10% की गिरावट पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये 7.25 रुपये के लेवल और जो ये लेवल दिखाएगा ना, तो वहाँ तक आप देखोगे 7-8% की गिरावट स्टॉक के अंदर हो सकती है। तो भाई ये सब हमें जो ना देखने को मिल रहा है जेपी पावर के अंदर। तो इन सब को लेकर आपको थोड़ा संभल के चलना है भाई। 7.80 रुपये और 7.25 रुपये का नीचे में दो सपोर्ट बन रहे हैं। अगर ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होते हैं ना, तो नीचे में फिर जो शेयर आपको ये 5-5.5 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। बट जहाँ तक मेरा मानना है भाई, देखो मार्केट का रीजन था, गिरावट हुई है, कोई बात नहीं, होती रहती है गिरावट। देखो भाई अप डाउन तो स्टॉक करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से स्टॉक के अंदर जो तेजी के चांसेज है ना वो थोड़े बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप देखो डबल बॉटम टच किया, यहाँ से आपको स्टॉक जो ना ये देखो यहाँ पर डबल बॉटम टच किया था स्टॉक ने, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टॉक के अंदर कितनी अच्छी तेजी बनी थी। अब यहाँ पर आप देखोगे एक डाउन गया है, कोई बात नहीं भाई, स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा, कोई बड़ी बात नहीं, स्टॉक यहाँ से चलेगा। आप जो है इसके पीछे का इतिहास उठाकर देखोगे, 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो जब जब स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हुई ना, उसके बाद स्टॉक ने चला है स्टॉक, ठीक है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर तेजी के बाद थोड़ी बहुत गिरावट हुई, उसके बाद स्टॉक चला है ऊपर में। आप देखोगे 12-13 रुपये के लेवल टच की है। तो यहाँ से अगर थोड़ी बहुत गिरावट हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक यहाँ से आपको जो ना ये अच्छे रिटर्न निकाल कर दिखा देगा ऊपर से, ठीक है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इसकी वजह से स्टॉक हमें टूटते हुए नजर आए हैं। यहाँ से शेयर आपको जो है ना अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ से शेयर के अंदर फिर से तेजी बनेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।